अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हमारा स्पोर्ट्स वीक का है सेकंड डे, जिसमें है फ़न गाला। फ़न गाला में बहुत सारे स्टॉल्स का इंतज़ाम हुआ है जो कि ग्राउंड में हुए, और बहुत ज़्यादा बड़ा अमेजिंग सा प्रोग्राम था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये आगे मेरी फ्रेंड्स थी, हम लोग पहुँच गए ग्राउंड में जहाँ के सारे स्टॉल्स का इंतज़ाम था। स्टार्ट करते हैं पहले स्टॉल से जहाँ पे कॉफ़ी स्लश वगैरह थी। फिर हम लोग सारे आहिस्ता आहिस्ता हर स्टॉल पे गए। बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें थी, गोलगप्पे से ले कर स्लश तक हर चीज़ का इंतज़ाम था। हर किसी ने अपनी अपनी मेहनत पे अपना अपना स्टॉल क्रिएट किया था। चूँकि ये BSM बिजनेस वालों के काम थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी और उनको इनके नंबर्स मिलने वाले थे। यहाँ पे ये ज़रा ज़ोर का मुजाहरा हो रहा था, यहाँ पे पंचों का मुकाबला था। देन हर किसी ने अपने पसंद का स्टॉल लगाया हुआ था। कहीं गजरे थे, कहीं फूल थे, तो कहीं केक और पेस्ट्रीज थी। हर जगह बहुत मज़े का इंतज़ाम था, और किसी ने डेकोरेशन बहुत खूबसूरत की हुई थी। ये देखें, जैसे मटके पे उन्होंने बहुत सारे फूल लगाए हुए हैं। यहाँ पे भी गोलगप्पे थे एंड पान का इंतज़ाम था। यहाँ पर हम आहिस्ता आहिस्ता हर स्टॉल पर गए और सब स्टॉल्स का देखा, और उन आगे फिर गेम्स भी थी। खाने के साथ गेम्स का भी इंतज़ाम था। हर किसी ने अपने पसंद की डेकोरेशन की थी। यहाँ पे बैलून्स के साथ बहुत खूबसूरत डेकोरेशन हुई थी। यहाँ पे हमारे पास पेस्ट्रीज थे और ये था पास्ता, मिनी पिज़्ज़ा। क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए थे तो बहुत सारे स्टॉल्स अभी नहीं लगे थे, तो हमने सोचा पहले आर्ट गैलरी में जाके आर्ट गैलरी चेक कर लें, देन वापस आएंगे कुछ खाने पीने। हम पहुँच गए CS डिपार्टमेंट कॉन्सर्ट्स आर्ट गैलरी का इंतज़ाम था, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था हर चीज़ को। हर बच्चे ने बहुत मेहनत की हुई थी और बहुत खूबसूरत तरीके से हर चीज़ को पेश किया हुआ था। अल्लाह ताला उनके हाथों को सलामत रखे, उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी की हुई थी इन्होंने। हर बच्चे ने अपनी अपनी पसंद से, किसी ने पेंट से, तो किसी ने पेंसिल स्केच से अपनी खूबसूरती बयान की थी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था, हर पेंट पे अपने दिल की बात बयान की हुई थी। मैंने पूरी कोशिश करके हर पिक्चर को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, फिर भी अगर कुछ गलती हो गई है तो आई एम सॉरी। माशाल्लाह हर पिक्चर बहुत अच्छी थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके हर पिक्चर को लेने की कोशिश की है, थोड़ी दूर से, थोड़ी पास से, इधर उधर हो के, तो बस जैसी आई है देख लें। लेकिन हर पिक्चर मैंने ली थी, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ हिला हुलो के ली थी। हर किसी की अपनी अपनी पसंद की हॉबी होती है, तो पेंटिंग इज़ अ गुड हॉबी। हमें अपने कैरियर के साथ साथ अपनी हॉबीज़ पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लाइफ में हॉबीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपका शौक़ क्या है और आप उसको फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है आपको वो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए और दिल से ट्राई करनी चाहिए। अब इन बच्चों ने भी अपने कैरियर के साथ देखें मैनेज किया हुआ है। माशाल्लाह अपनी हॉबीज़ को साथ लेके चल रहे हैं, तो सब लेके चल सकते हैं। यहाँ पे भी कैलीग्राफी लगी हुई थी दूसरी साइड पर भी, तो मैंने हर जगह देखी। माशाल्लाह ये ऐसा लग रहा था जैसे कंप्यूटराइज काम है, लेकिन बच्चों ने खुद ही बनाया हुआ था ये। माशाल्लाह ये देखें, ये वाली पिक्चर मुझे बहुत डिसेंट और बहुत अमेजिंग लगी। फिर आगे हम दोबारा से फ़न गाला एरिया में, जहाँ हमें भूख लगी थी तो हमने सबसे पहले खाए गोलगप्पे। लड़कियाँ और गोलगप्पे ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो पहले हमने खाए गोलगप्पे। देन हमारे टिक्का की बारी आई, हमने टिक्का खाया। टिक्का खाने के बाद हम एक स्टॉल पे गए, तो जहाँ पे भाई गिटार प्ले कर रहे थे, तो हमने इनके डिफरेंट सॉन्ग्स बैठ कर सुनी, और फिर इन्होंने हमें एक सॉन्ग भी सुनाया। उम्मीद है आप सबको कोई ब्लॉग पसंद आया होगा। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखेंगे। दिल लगाए कोई रब ने तुझको बनाने में, करती है हुस्न की खाली तिजोरियाँ, काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ, केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रन सारी तेरी घर में।